जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज विकलांग बंधु शहीद पार्क में इकट्ठे हुए हैं और हम आज जानना चाहेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। जी बताइए, आप किस समस्या को लेकर यहाँ पर आपने मीटिंग की है? आज हम सब साथी मध्य प्रदेश विकलांग बल के भिंड इकाई के समस्त साथियों सहित हमारे ब्रजेश भाई और हमारे छोटे खान जी और हमारे सलाहकार नीरज यादव जी और हमारे विशिष्ट सलाहकार जी सूरज बघेल और मैं खुद राज्य सचिव सौरभ बघेल आज इस शहीद पार्क पर हमने मीटिंग रखी है। हमारे समस्त जिला के जो तहसील हैं उनमें एक समस्या आ रही है कि जो यूनिक आईडी कार्ड जो विकलांग बंधुओं को बन रहा है वो यूनिक आईडी कार्ड बनने के लिए 7 दिन का समय शासन के तहत रहता है, मगर उसको बनने के लिए करीब 2-2 महीने का समय बीत जाता है। तो हमारे दिव्यांग बंधु जो विकलांग बंधु हैं उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। तो इस मुद्दे के लिए हम सब लोगों ने चर्चा की कि शासन या प्रशासन से अपनी बात रखेंगे, जल्दी से जल्दी हमारी यूडीआई कार्ड बन जाए जिससे हमारी और अन्य सुविधाएँ जो शासन से मिल रही हैं वो सुविधाएँ भी हम सबको मिल सके। अभी क्या है, हमारी बहुत बंधुओं की बहुत ऐसे बंधु भी हैं ग्रामीण क्षेत्र से कि उनको जो पेंशन मिल रही थी वो यूडीआई कार्ड के तहत बंद हो गई है। तो मैं आज इस मीटिंग में हम सब ने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम अपनी बात शासन प्रशासन तक रखें तो जल्दी से जल्दी हमारा यूडीआई कार्ड मिल जाए। और इस बैठक का मेरा मेन और मुख्य अहम जो मुद्दा है वो विकलांग हित की जो भी शासन की समस्याएं शासन की सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं को हमारे भिंड इकाई के विकलांग बंधुओं को मिल सके। जी सर, तो शासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? जी अभी तो हमने एक दिन पहले हॉस्पिटल का भ्रमण किया था तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विकलांग बंधु हैं उनका यूडीआई कार्ड करीब 2-3 महीने से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम भिंड के जो हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी हैं उनके पास जाएंगे अगर यह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। ठीक है।